सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को, आपके पूरे फैमिली को मेरी ओर से दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि यार बहुत दिनों से विनोद भाई कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं, कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबों के बीच मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ कुछ नई जानकारी को लेकर के, और इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एसबीजी ग्लोबल का जो अनिल यादव है उनका क्या नीति, ठीक है। इसको पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कि शायद आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाए यहाँ से। तो फ्रेंड्स, जब तक कंपनी के अंदर में स्टैकिंग का जो प्रोग्राम था नहीं चला था, मतलब लोग वहाँ पे डिपॉजिट एक्टिवेशन का इसका उसका लनपन जो भी कर रहे थे, जब तक चल रहा था सभी लोग परेशान थे, सभी लोग निराश थे, सभी लोग के मन में बहुत तरह की बातें चल रही थी और लोगों के मन में गुस्सा था। आज मैं देख रहा हूँ कि हर इंसान चुपचाप बैठ गया है, चुपचाप बैठ गया है, किसी को किसी प्रकार का कोई भी न्यूज नहीं मिल रहा है, कोई अपडेट नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सब शांत हो गया है। यहां तक कि जूम सेशन भी चलता था, वो जूम सेशन भी लगभग बंद हो गया है और कब चालू होता है, किसके साथ होता है पता भी नहीं चलता है, ठीक है। कंपनी का पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम है, क्या क्या चल रहा है, लेकिन मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं कि लोगों को हर तरीके से कंपनी ने गुमराह किया है। कंपनी यहां तक बोलती है कि कोई किसी के बहकावे में, किसी के अगर कोई गुमराह कर रहा है तो उसकी बातों में नहीं आना है, लेकिन कंपनी का मालिक अनिल यादव खुद लोगों को गुमराह किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अभी क्या है कि 10 महीने के लिए हमारा आपका फंड को स्टेकिंग में लगा दिया है और जिसके वजह से अब 10 महीने के लिए आप एकदम निश्चिंत हो गए हैं, बैठ गए हैं चुपचाप, बस आपको अपने ट्रस्ट वॉलेट ओपन कर रहे हैं, MMIT का क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस ये देख करके आप चुपचाप बैठ गए हैं और अपना कहीं ना कहीं दिमाग लगा रहे हैं कि क्या करें कैसे होगा। अब यहाँ पे ना कंपनी को कोई प्रॉब्लम हो गया है और ना ही लीडर्स को, सभी लोग चुपचाप हो गए हैं, अपना अपना काम देख रहे हैं, ठीक है। तो जब तक ये काम नहीं हुआ था तब तक लोगों के मन में था कि हमारा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब मिलेगा, ठीक है। पुराने लोगों का स्टैकिंग करवा दिया, नए लोगों को भी मिल जाएगा, उसके लिए इतना जबरदस्त होगा कि लोग निराश नहीं होंगे, उनको दिक्कत नहीं होगी, उन सभी लोगों को SBGO में जो भी फंड लगा हुआ उनको मिल जाएगा पैसा, उनको डबल मिल जाएगा, उनका उनका फंड मिल जाएगा, इस तरीके से लोगों को बोल बोल करके लास्ट में फिर क्या किया, उनका भी स्टैकिंग करवा दिया। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम आ रही दोस्त कि कई लोगों का ग्लोबल स्टेक के अंदर में फंड दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो स्टेक तो कर दिए हैं बट जब वो कनेक्ट कर रहे हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट के साथ में ग्लोबल स्टेक को, तो उसका फंड वहां पे दिख नहीं रहा है और इसका सॉल्यूशन भी किसी के पास नहीं है और ना ही कोई देने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जितने भी अपलाइन है, जितने भी सीनियर हैं, सभी अपने चुपचाप बैठे हुए हैं, लोग स्टेकिंग कर दिए हैं बस आराम से हो गए हैं, किसी का कैसे स्टेकिंग करना है, उनका फंड कैसे ग्लोबल स्टेक के अंदर में शो होगा, कोई सुनने वाला नहीं है, किसी का कोई क्वेरी नहीं है, किसी का कोई कंप्लेंट नहीं ले रहा है, उसका सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, मतलब पूरे तरीके से शांत हो गए हैं लोग। और कंपनी यही चाहती भी थी कि ऐसा कुछ कर दिया जाए ताकि लोग चुपचाप हो जाए, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब देखिए, जब लोग स्टेकिंग करते थे तो स्टार्टिंग के टाइम में लोगों का तुरंत स्टेक हो जाया करता था, धीरे धीरे जब समय बढ़ता गया, लोगों का स्टेकिंग का जो कम्युनिटी बढ़ते चले गया, तो फिर 24 घंटा के बाद दिखने लगा, फिर 48 घंटा के बाद दिखने लगा, अभी 10 दिन के बाद दिखने लगा, और कई कई लोगों का ऐसा है कि 10 दिन भी पार हो गया, 10 दिन 20 दिन भी हो गया, उसका भी वहां पे नहीं दिख रहा है।
तो मैं बोलता हूँ कि जो भी हो रहा है ना, कंपनी को कंपनी से कम वो अपने वेबसाइट पे, अपने साइट पे इसका कुछ सॉल्यूशन के रूप में उन्हें कुछ वीडियो डाल देना चाहिए, उन्हें कुछ नोटिफिकेशन देना चाहिए कि अगर जिन लोगों का वो स्टैकिंग किया हुआ फंड अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो वो कैसे देखेंगे, क्या करेंगे, या फिर उसका एक कॉन्टैक्ट नंबर या कॉन्टैक्ट करने का कोई जरिया दे दे ताकि वो सामने वाले से कॉन्टैक्ट करके और वो अपना कर ले। कई लोगों का आईडी जो मतलब समझ लीजिए कि दूसरे के पास गया हुआ था, उनका फोन नंबर नहीं लग रहा है, ईमेल आईडी नहीं है, वो लॉगिन कैसे कर पाएगा, लॉगिन नहीं कर पा रहा, उसका पासवर्ड नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ उन अप्लायंस को, उन सीनियर्स को या फिर अनिल यादव के पास अगर ये वीडियो जाता है तो वो कि उन लोगों के लिए भी कुछ सॉल्यूशन निकाले ताकि वो भी अपना स्टेकिंग कर ले। और उन हम सभी इन्वेस्टर नेटवर्कर का सिर्फ एक ही उम्मीद बचा हुआ है, MMIT का ग्रोथ होगा तो पैसा हमारा निकलेगा। और लोग किस प्रकार से परेशान है, हताश निराश हैं, कई लोग इतने ज्यादा कर्जा में लोग चले गए हैं कि मतलब बहुत तरह तरह का नेगेटिविटी आ रही है उनके अंदर में। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को ये बोलना चाहता हूं कि इस तरह के कॉन्सेप्ट के अंदर में हम सभी को नहीं फंसना चाहिए, जहां पे आपसे ये बोला जाता हो कि आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, बस आप पैसा डाल दो, आपको उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना रिटर्न मिलता रहेगा, डेली का डेली आता रहेगा। ऐसे कॉन्सेप्ट में नहीं फंसना है दोस्त, ना ही किसी को बोलना है करने के लिए। एक जेन्युइन तरीके से, जो रियल तरीके से काम होता है, एकदम जैसे बोलते हैं ना कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है दोस्त, सक्सेस का सिर्फ एक ही तरीका है, वो मेहनत करना है और सही जगह पे सही कॉन्सेप्ट के अंदर में मेहनत करके आप पैसा कमा सकते हैं। तो वैसे जगह पे काम करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं यही बोलना चाह रहा था कि कंपनी मतलब ऐसा कर दिया ना जिससे कि आप भी चुपचाप हो जाए और कंपनी भी शांत हो जाए, और बाकी शांत होकर के उसको क्या प्लानिंग करना है, कैसे क्या करना है, वो अपना कर पाएगा। और आज वही हुआ, कंपनी अपने मंसूबे में कामयाब हो गया है। अब रहा हमारा आपका कि हमारा पैसा कैसे निकलेगा, कैसे हम रिकवर कर पाएंगे, वो आपके ऊपर है, हमारे ऊपर में है, आप उसके लिए क्या करते हैं। और जानता है कि समय के साथ सभी का जो घाव होता है ना वो खत्म हो जाता है, सभी लोग शांत हो जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं अपने लोग कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं, ठीक है। और आज वही हुआ, फिर भी मैं आप सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, ऐसे चीजों के अंदर में आप ना आए, और कोशिश करूंगा कि मैं भी आप लोगों के साथ में कुछ ऐसा ही इंफॉर्मेशन देता रहूं जिससे आप बचे रहें। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नए अपडेट, नए जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।